जय हिंद एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके. एवरीवन ओपन योर कंप्यूटर बुक. चैप्टर 6, द माउस. उसमें ये टॉपिक पढ़ाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप. मूविंग द माउस वाइल कीपिंग द लेफ्ट बटन प्रेस इज कॉल्ड ड्रैगिंग. जब आप माउस को मूव करते हैं लेफ्ट बटन से और जब उसको प्रेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग. एंड इफ़ वी क्लिक एन आइकॉन एंड ड्रैग इट टू डिफरेंट पोजिशन एंड द देन रिलीज द लेटर. ओके, लुक हियर. बटन द आइकॉन विल मूव टू द न्यू पोजिशन. जो लेफ्ट बटन को वो करते हैं, आइकॉन मूव करते हैं न्यू पोजिशन के लिए, इट इज़ कॉल्ड ड्रॉप. एंड वी कैन मूव एन आइकॉन टू डिफरेंट प्लेस बाय द ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन. यहाँ पे देखिए, ये जो ये माउस का लेफ्ट बटन का ये जो यूज कर रहे हैं, इस फिंगर को देखिए, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, इसको हम ड्रैगिंग कह रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे इस फिगर में भी आप देख सकते हैं जो इसे ये मूव कर रहे हैं, यहाँ दिखा रहा है, ये देखिए मूव आइकॉन को मूव कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए शो हो रहा है. ठीक, अब आता है स्क्रोलिंग. जो हम लोग बीच में का जो ऐसे बटन था ना ग्रे कलर का, उसको व्हेन वी रोल द स्क्रॉल व्हील ऑफ द माउस, जो माउस का स्क्रॉल पहिया जो व्हील वाला है अप और डाउन, इट इज़ द कॉल्ड स्क्रॉलिंग. जब उसको करेंगे ना तो वो अप और डाउन होगा और उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्रॉलिंग. बाय स्क्रॉलिंग वी कैन मूव द पेज अप और डाउन. उसको स्क्रोलिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? मूव करते हैं पेज को, अप और डाउन करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं. तो यहाँ कुछ ट्रू फॉल्स दिया हुआ है. जैसे यहाँ दिया है कि ट्राई टी फॉल्स ट्रू, एफ फॉर फॉल्स. जो मतलब हमारा ट्रू है उसके लिए टी राइट करना है, जो फॉल्स है गलत है उसको हम एफ से शो करेंगे. तो ए क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन सेलेक्ट एन आइकॉन ऑन द स्क्रीन. जब हम लेफ्ट बटन माउस का जो लेफ्ट बटन यूज करते हैं तो आइकॉन स्क्रीन पे शो करता है तो ट्रू होगा. ओके, सेकेंड भी आपका ट्रू हो जाएगा, थर्ड भी ट्रू है, फोर क्या हमारा फॉल्स है, फाइव भी फॉल्स है. ओके, ये देखिए हमने कर दिया इसको, और आप लोग भी इसको पढ़ के समझ के कोशिश करिए. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज हमारा दिया है यूजिंग ए टच पैड. टच पैड का हम लोग स्क्रीन पे कैसे टच स्क्रीन करते हैं आइए देखते हैं. जैसे माउस होता है, ये देखिए, जैसे ये लैपटॉप का ये टच पैड है, ये लेफ्ट बटन है, ये राइट बटन है उस लैपटॉप पे, तो उसको हम टच पैड बोलते हैं. ए लैपटॉप हैज़ ए टच पैड इंस्टेड ए माउस. मतलब जो लैपटॉप है उसमें टच पैड दिया होता है और उसी के अंदर क्या होता है? माउस होता है. बिलो द टच पैड देयर आर लेफ्ट एंड राइट बटन्स. और उसी में टच पैड के नीचे लेफ्ट एंड राइट बटन दिए होते हैं. एंड वी कैन डू द सेम एक्शन विद द टच पैड एंड बटन्स दैट वी कैन डू यूजिंग ए माउस. जो हम लोग माउस का यूज करते हैं लेफ्ट एंड राइट जो मतलब सो होता है, वैसे ही सेम टच पैड का जो लैपटॉप का टच पैड होता है उसमें का भी लेफ्ट और राइट वही बटन सेम वही वर्क करता है. मूविंग द पॉइंटर वी कैन मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग आवर फिंगर ओवर द टच पैड. माउस पे हम लोग ऐसे मूविंग करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो मतलब जो मूविंग स्क्रीन पे जो हमारी चीज़ों को इधर ऊपर नीचे करता है वो सब टच पैड का हमारे फिंगर के थ्रू किया जाता है. टिक क्लिक है, क्लिक वी प्रेस द लेफ्ट बटन वंस टैप द स्क्रीन टच पैड वंस वन द सेलेक्ट एंड आइकॉन. जब क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन को तो सेम जैसे माउस में शो करता था टच पैड पे भी वैसे ही एक बार होगा. डबल क्लिक पे भी वही सेम है जो माउस के थ्रू होता था, हमारे टच पैड पे भी वही होता है. अब जैसे यहाँ दिया है कि डबल क्लिक वी प्रेस द लेफ्ट बटन. जब लेफ्ट बटन को हम दबाते हैं तो क्या होता है? दो बार ट्वाइस एंड टैप द टच पैड वी ट्वाइस ओपन एंड आइकॉन. मतलब वो भी दो चीज़ दो बार, वही भी टच पैड में भी वैसे ही जैसे माउस में होता है वैसे होगा. फिर राइट क्लिक विद ड्रैग एंड ड्रॉप. ठीक, फिर आता है राइट क्लिक. राइट क्लिक में क्या होता है कि वी प्रेस द राइट बटन वंस इफ वी वांट टू ओपन द यहाँ पे शॉर्ट नहीं दिख रहा है मेन्यू.
फिर आता है ड्रैग एंड ड्रॉप. वी कीप द लेफ्ट बटन प्रेस्ड वाइल मूविंग ऑन योर फिंगर ओवर द टच पैड टू ड्रैग एंड ड्रॉप एन आइकॉन. एंड वी कैन यूज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स बाय टचिंग द स्क्रीन विदाउट फिंगर. स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स हैव ए टच स्क्रीन इंस्टेड ऑफ ए माउस. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टैप any icon and screen to open it. We can swipe our finger up, down, left, right, scroll through the smartphone. अगर इसमें ये कह रहा है कि जैसी सारी चीज़ें लैपटॉप में हो रही हैं तो वो लैपटॉप के अंदर माउस इंस्टेड है, लेकिन जो स्मार्टफोन से वो खुद ही मतलब स्मार्टफोन को टच करेंगे उसके स्क्रीन पे अप डाउन वो सारी चीज़ें लेफ्ट राइट सारी चीज़ें उसमें खुद ही इंस्टेड रहती हैं, उसमें जुड़ी रहती हैं. अब आता है जैसे यहाँ पे कि वी कैन सेलेक्ट एन आइटम बाय प्रेसिंग ऑन इट फॉर ए लिटिल और लंगर टाइम. मतलब हम लंबे समय तक उसको सेलेक्ट किया रह सकते हैं या दबाए रख सकते हैं लिटिल लॉन्गर टाइम. ठीक, थोड़े समय के लिए. वी कैन ड्रैग द आइटम टू ए न्यू पोजिशन बाई मूविंग अवर फिंगर वाइल द आइकॉन इज प्रेस्ड. एंड वी कैन मेक ए पिक्चर बिगर और स्मॉलर बाई टचिंग इट विद द इंडेक्स फिंगर. इंडेक्स फिंगर के थ्रू हम लोग पिक्चर को बड़ा या स्मॉलर करते हैं टच करके एंड थम एंड देन मूविंग देम फॉर द क्लोज. मतलब उसको हम आप लोग स्मार्टफोन चला रहे जैसे वही चीज़ इसमें आपका राइट है. जूम करने के लिए फिगर को पिक्चर को बड़ा करते हैं अपने हैंड का यूज करते जैसा भी ऐसे हम कर रहे हैं. उसमें कौन सा फिंगर हमारा यूज हो रहा है? इंडेक्स फिंगर. एंड थम्ब से क्या हो रहा है? मूविंग हो रहा है. ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी. तो इसका एक्सरसाइज आपको कल कराएंगे, आज इतना इसको रीड करिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन.